आपकी गलती नहीं थी ना मेरी गलती थी, उसमें तो मैम की गलती थी। मैम की तो आदत ही है पेरेंट्स को भड़काने की, मैम वही कर रही थी। तेरी गलती होनी है कुछ। अरे मेरी कोई गलती नहीं थी मम्मी। और आप ना अब ये भाषण देना बंद करो, जल्दी से ना मेरी चोटियां बना दो, वरना आपकी वजह से मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। मेरी वजह? तो 7:30 बजे तो मैडम तेरा स्कूल होता है, 7:25 तो उठती है, और 5 मिनट तेन रेडी नहीं होना होता है, और उसके बाद तू मैनु ही सुना दी है कि मैडम मम्मी तुसे रेडी नहीं किता। हाँ तो मम्मी 5 मिनट कम थोड़ी ना होते हैं, 5 मिनट में कितने सेकंड होती हैं आपको पता है? 5, 7, अरे यार कितनी होती है, जितनी भी होती है बहुत सारी होती है, तो इतने में मैं तैयार भी हो जाती हूँ, लास्ट में ना आपकी चोटी ही बचती है, चोटी ही नहीं बना पाती आप। नाया कितने दिन हो गए तेनू? 1 हफ्ता ही तो हुआ है। और वाल तो इनू 2 महीने, ज्यादा थोड़ी ना हुआ है। अरे रिंकी तू तैयार नहीं हुई अब तक, मोनिका मैम हमको पनिश करेगी, जल्दी तैयार हो ना। अरे यार जल्दी चल, तेरी वजह से हम दोनों भी फंस जाएंगे, जल्दी आ जल्दी। अरे यार बस तैयारी हो रही थी, तेरे को पता तो है मम्मी डेली लेट करा देती है, मम्मी से चोटी नहीं बन रही। ले होगी तेरी गुत, चल ना अब जल्दी बैठी क्या। हाँ चलो जल्दी से, वरना मैम आज फिर पनिशमेंट दे देंगी। ठीक है मम्मी बाय, चलो जल्दी से मोनिका मैम वरना पनिशमेंट दे देंगी। सपनों की गोली हर ऊट पटंगा हनी चो चला ले की जेब पे खाली कदम कदम पे। जिमाम बिंग बिंग बो तक तन सस्ते नजे तार चिपक गई छाती से। बम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तक तन सस्ते नजे तक तन तार है ढीली। कौन कसे 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 लगता है आज मैम लेट है, हम जल्दी आ गए। इसका मतलब आज मैम लेट है तो हमारी तरह मैम को भी पनिशमेंट मिलेगी क्या? यार मुझे तो लग रहा है मैम को ना जरूर डांट पड़ रही होगी प्रिंसिपल मैम से। सही है, उसको पढ़नी भी चाहिए। अरे तो अच्छा है ना डांट पड़ने दे, जब तक तू अपने अंदर की नौना फतेह निकाल दे, डांस कर टाइगर। अबे यार इनको छोड़ो ना, चलो ना हम आओ मिलो सिलो खेलते हैं। तेरे को भी नहीं आता खेला। अरे आंटी आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? मुझे लग रहा है आपकी लड़की ना इस क्लास में नहीं है। आंटी आपको देखकर लग रहा है मुझे आपकी लड़की ना जरूर पढ़ने में इंटेलिजेंट होगी, और ये तो 12th C है जिसमें फेलियर बच्चे रहते हैं। 3 साल से ना हम इसी क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आप एक काम करो, इस क्लास से जो पीछे वाली क्लास है ना आप उसमें चली जाओ, आपकी लड़की जरूर 12th A में होगी। चुप, मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। अरे मैम आप हमारी क्लास टीचर कैसे हो सकती हो? हमारी क्लास टीचर तो मोनिका मैम है, और हम जैसे नालायक बच्चों को ना मोनिका मैम ही सुधार सकती हैं। आप जाओ यहाँ से। तुम उधर, तुम्हारी मोनिका मैम एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसलिए प्रिंसिपल मैम ने मेरे को हायर किया है। ठीक है, तो अब से तुम्हारी क्लास टीचर भी मैं ही हूँ, और तुम्हें मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी। चलो सही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो नहीं है, तुझे? मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तेरे को हम सबको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पलाना है तो पलाओ, नहीं पलाना तो मत पलाओ। ठीक है मैं सबसे पहले तुम्हारी अब अटेंडेंस ले लेती हूँ। ओके मैम। टिंकी? यू मीन रिंकी? यस मैम। हाँ हाँ टिंकी। तान? पान? मैम मैं हूँ मान। सक्रांत? सक्रांत? तेरा नाम सक्रांत है? तेरा नाम सक्रांत है? और तू सक्रांत?
सक्रांत कौन है जल्दी बताओ। मैं तो सक्रांत सिद्धांत। मैम सिद्धांत। हाँ हाँ सक्रांत। तू कौन है तू? मैम गुड्डू नाम है मेरा। हाँ टुक्कू। ओ थोड़ा मेरे बोलने में फर्क है ना, तो इसलिए मैं टुक्कू बोलती हूँ। तो बताओ सत्य नाम हो तू ते? मैम मैं रहेगी चिंकी। टिंकी एतमिन देखने दो। टिंकी तो बताओ तुम्हारी अटेंडेंट पूरी हो चुकी है, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है शीला। शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you। तो बता, नीचे बैठो, नीचे बैठो। मेरे को तुम्हारी टीचर ने बताया था तुम बहुत थकानी करते हो। तुम सबकी थकानी ना मैं अब निकालूंगी। आऊंगी मैं फोर्थ पीरियड में तुम सबको पढ़ाने। दम निकालती हूँ मैं तुम्हारी थकानी। तुम होके बैठना। जा रही हूँ मैं। ओके मैम जा जाओ। ओपे यार ये मैम तो मस्त है। इनकी वो करेंगे वो कॉलेज में नहीं करते रिंगिंग ड्रैगिंग। हाँ वही इन्हीं की भाषा में। चलो पढ़ लेते हैं आप। मेरा नाम क्या पढ़ रही है? मैं तो नहीं बता रही। बता देना। बता देना क्या पढ़ रही है? अब मैं नहीं बता रही। तो बतो तुम्हारी हिंदी वाली मैडम आज अब्सेंट है, आई नहीं है, तो तुम्हारे ये पीलर मैं लूंगी। तो एक एक टोपी रख लो और ग्राउंड में चलो। यस मैम। पर टोपी लेकर क्यों ग्राउंड में? तोती मैं तुम्हारे लिए थप 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 लाइक थप ह्यूमन सरप्राइज। एग्जैक्टली। चलो जल्दी लाइन में लाके ग्राउंड में चलो। चलो 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 चलते हैं। चलो 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 तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। छोड़ो यार चलते हैं। तो बच्चों आप सारे ग्राउंड में आ चुके हो ना? सारे बच्चे आ गए? तो मैंने आपको ग्राउंड में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, और मेरा टेस्ट लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैं तुम सबको ग्राउंड में लेकर आई हूँ। यार मुझे लग रहा है मैम ना अलग तरीके से टेस्ट ले रही है हमारा। हमें गेम खिला के जो अच्छा खेलेगा ना उसको अच्छे नंबर देंगी। सही कह रही तू। खो खो खेलेंगे। हाँ ना पकड़म पकड़ाई भी। हाँ तो बताओ। तो पान तुम जाके उधर बैठ जाओ। मुझे लग रहा है मैम का कुछ अलग ही गेम है। सही कह रही है यार तू। टिंकी तुम जाके उस कॉर्नर में बैठ जाओ। और शक्रांत तुम उधर जाके बैठो। बेटे आज तो कोई भी गेम हो जीतूंगा तो मैं ही। और मैम मैं कहाँ बैठू? तुम यही बैठोगी। तो सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। अब मैं तुम सबका लूंगी टेस्ट। टेस्ट? पर मैम आप तो न्यू टीचर हो, आपको कैसे पता? तुम्हारी मोनिता मैम ने बता दिया था कि वो हर मंडे तुम्हारा टेस्ट लेती है, तो इसलिए मेरे तो याद है आज मंडे है ना, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले ली हूँ। अबे यार मोनिका मैम जाते जाते भी ना हमारे लिए बुरा ही करके चली गई। पर मैम आप इस ग्राउंड में क्यों लेकर आए हो हमें? मैं तुम्हें ग्राउंड में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट लेने का तरीका बहुत अलग है। अगर मैं तुम्हें क्लास में टेस्ट दिलवाती तो तुम तीन दल लेते ना, इसलिए मैं ग्राउंड में लेकर आई हूँ ताकि तुम अलग अलग बैठो और टीटिंग ना कर पाओ। अबे ये टीचर है क्या है, हम बच्चों पे जुर्म कर रही है इतना। चलो आप सबके तक टेस्ट पेपर लिखो जो तो मैं बोलती डाली हूँ। बहुत पे लिख रखा है ना, वो तो अपनी टोपी में तोंद कर लो। शीला मैम एक बार प्रिंसिपल ऑफिस आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
बताओ, मैं तो मिलती मैम मैम ने बुलाया है तो तुप लेना। पिंकी तुम आके आके ना बताओ तो तुप कलाना, जब तक मैं नहीं आती। सारे बच्चे ना क्लास में चुप बैठे रहना, मैं हूँ थोड़ी सी देर के लिए मॉनिटर जब तक कि शीला मैम अंदर नहीं आ जाती क्लास में, समझे? ओए तू कैसे खड़ी हो गई? मॉनिटर मैं हूँ क्लास की, मैं माइंड कराऊंगी बच्चों को। हो तू कैसे मॉनिटर हुई? शीला मैम ने ना बिल्कुल साफ साफ नाम लिया था कि रिंकी माइंड कराएगी क्लास को, ना कि तू, समझी? मैं तेरा ना नाम लिख दूंगी अगर ज्यादा बोलेगी तो। रिंकी इसका ना नाम लिखती कुछ ज्यादा बोलती है। हाँ। तू लिख के दिखा, अभी जाके ना तेरी मोनिका हमसे शिकायत करती हूँ, फिर तेरी डांट पड़ेगी। अभी देख तू ना ऐसे नहीं मानेगी। अब देख तू, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। तूने मेरा नाम कैसे लिखा? अभी जाके ना मोनिका हमको बताती हूँ। रिंकी इसका नाम ना प्लस में कर दे, खुद ज्यादा जबान लड़ा रही है। मैम के पास जाएगी, रुक तू अभी। अब देख मैम तेरी कैसे बैंड बजाती है। शीला मैम को बस क्लास में आने दे। रिंकी तू तो इधर आ, तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ। रिंकी चाहिए तो चैलेंज करती है, इसको सुना क्या? हाँ तू सही बोल रही है, इसको तो अभी सबक सिखाती हूँ। रिंकी इसने देखो थप्पड़ कैसे मारा, मार इसके थप्पड़। रिंकी ये क्या कर रही है रिंकी? मैम जैसा आपने देखा वैसा कुछ भी नहीं था, पहले इस मान ने मुझे मारा था। मैम नहीं ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे बहुत तेज मारा है अभी। अरे मैम ये नाटक कर रही है, इसने ना मैंने नाम लिख दिया इसलिए मुझे मार दिया थप्पड़। इधर आओ तुम, इधर आओ। हाँ तो पता थे सही होता वहां पे हो जाओ। ये नालायक क्लास है, मुझे तो इस क्लास में ना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। शीला मैं सोच रही थी अगर मैं इन दो केमिकल्स को मिक्स कर दूं तो ऐसा केमिकल बन सकता है जिससे तू गोरी हो जाए। तेरे को मैं काली लगती हूँ? हाँ है तू काली, ऐसे देख क्या रही है? मान चला मैं तेरे को दारू बनाना सिखाता हूँ। दारू? पर मैंने तो दारू कभी पी ही नहीं। अरे मैं सिखा दूंगा यार, पीनी। चल सिखा। हमें सबसे पहले लेना है नमक और नींबू। नमक और नींबू? दारू में नमक और नींबू तो डलता ही नहीं है। अरे नशा उतारने के लिए तो चाहिए ना। हाँ उस मान की वजह से ना कल मुझे क्लास से जाना पड़ा, वो भी हाथ ऊपर करके, हमसे डांट भी खानी पड़ी। अबे तो उससे बदला लेना। बदला? अब बदला कैसे लूंगी? देख मैडम ने क्या बोला था, अगले पीरियड में उससे ऐसे सुनेगी। और तेरे को पता तो है मान कितनी रट्टे तोता है, जो उसको दो वो ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ देती है। तो अब क्या करूं, क्या करूंगी मैं, उसका क्या फायदा उठाऊं? रुक तू मैं तेरे को बताती हूँ। अबे क्या लिखे जा रही है तू? ले ये कॉपी मान की कॉपी से एक्सचेंज कर दे, फिर देख तू कमाल। ठीक है अभी चेंज करके आती हूँ, तू जल्दी से प्रोजेक्ट कर ले। मैं क्या बोल रही थी, मुझे ये वाली कॉपी चाहिए। क्यों मान की कॉपी है मैं की तू? हाँ तो मान की तो है, तू इतना क्यों बोल रहा है? और मुझे ना इसके अंदर से प्रोजेक्ट उतारने हैं अपनी कॉपी में, तो इसलिए चाहिए। प्रोजेक्ट इसमें नहीं होता, प्रोजेक्ट फाइल में होता है। हाँ तो मुझे ये कॉपी चाहिए, और ये बात ना मान को मत बता दियो कि मैं उसकी कॉपी लेके गई हूँ, समझा? अरे मत लेके जा, मान मारेगी। चुप हो जा वरना केमिस्ट्री वाली मैम को बता दूंगी, तू ना केमिकल से नशे करता है। हाँ तो शीला मान की कॉपी के साथ मैंने कॉपी बदल दी। अब देख क्या होता है उस मान के साथ, हर घर में मान पते।
सब बतो, टैप्टर खोल निकालो, तुम्हें मैं पकड़ाऊंगी। मैम आपने बोला था ना कि ऐसे सुनोगे टीचर के बारे में, तब सुन सकते हो। हाँ बेटा तुमने बता दिया, मैं तो भूल ही गई थी। मोनिटर पान तुम ऐसे सुनाओ। हमारी टीचर का नाम शीला है। शीला मैम तो बोलना नहीं आता। शीला मैम सबके सामने तोतलातल बोलती है। शीला मैम 50 साल की बुढ़िया है। पान जल्दी मेरे पास आओ। तुम्हें मैं तोतली लगती हूँ? तुम्हें मैं 50 साल की बुढ़िया लगती हूँ? है तुम अपने मॉनिटर बैठ निकालो, निकालो अपने मॉनिटर बैठ। मैम मॉनिटर बैच क्यों ले रहे हो? सुनो मेरी बात, जब जब मैं क्लास में आऊँ ना तुम हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। चलो पर 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 अबे ओए गुड्डू, तू लंच करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया? हम सब वेट कर रहे थे तेरा। और ये लड्डू का डब्बा, आज तू लंच में लड्डू लाया है क्या? ये ना लड्डू है, मैं शीला मैम के लिए लेके आया हूँ। मैम को गिफ्ट? पर तू मैम को गिफ्ट लड्डू का डब्बा क्यों दे रहा है? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं शीला मैम को लड्डू देकर उनको प्रपोज करना चाहता हूँ। अबे भाई मेरे को ये तो पता था कि हम लड़कों को सिर्फ जिंदा लड़की चाहिए होती है, बट शीला मैम शी। गुड्डू मुझे तो तेरा पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों ही ना देने में दिखाई दे रहा है। अबे वो तो प्यार को भी प्यार बोलती है, तू उससे कैसे प्यार कर सकता है? अरे वो ही तो, उनके तोतलेपन और उनकी क्यूटनेस पे तो फिदा हूँ मैं। फिदा? उसे फिदा नहीं फिला बोलते हैं, फिला। मैम ना तेरे को जहन्नुम में पहुंचा देंगी। शीले आ गई शीला मैम, अगर तुझे प्रपोज करना है ना तो आज ही कर दे। सुनो मैम को कोई और प्रपोज कर दे और तू हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। अब देख तमारिया। मैम मैं ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या गुड्डू तुम मैं तो प्यार करते हो? हाँ मैम आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं आपसे दिल और जान से प्यार करता हूँ। गुड्डू मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लग रहा है गुड्डू के प्यार में शीला मैम भी फिसल गई। One week later. Hello बच्चों, I'm back after one week. मैम आपने ना बहुत अच्छा किया कि आप वापस आ गई। एक हफ्ता ना मुझे ऐसा लग रहा था एक साल है। शीला मैम के साथ बस ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन आप ही संभाल सकते हो हम जैसे नालायक बच्चों को तो। थैंक यू बेटा, अब से तो मैं ही आऊंगी क्लास में। मैम बहुत अच्छा हुआ कि आज आप आ गई, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। कितना अच्छा है ना, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। थैंक यू बेटा, आई मिस यू टू। वैसे मैम मैं आपको एक बात कहूँ, आपको नहीं आना चाहिए था, वैसे ही कल मैंने शीला मैम को प्रपोज किया। व्हाट यू से? I don't understand. Can you say again? अरे मैम कुछ नहीं, वो क्या ना मजाक कर रहा था मैं। Okay okay, now come back to class and let's start the chapter. Okay. Listen, I forgot to say one thing to class. Everything, please listen. I will take the class of 4 days and Sheila ma'am will be take 2 days in a week. क्या? Sheila ma'am 2 दिन पढ़ेगी? Yes. चलो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ओपन योर बुक्स। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की।